मेजर का होने जा रहा है आज टीजर लॉन्च ग्रैंड स्केल पर। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि सलमान खान, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन लॉन्च करने जा रहे हैं फिल्म मेजर का ट्रेलर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म मेजर बड़े ही चर्चा में है और ये फिल्म जो है ये एक सच्ची कहानी है। मेजर उन्नीकृष्णन की लाइफ पर बेस्ड ये पूरी कहानी है। दोस्तों आपको बता दूं 26/11 के जो टेरर अटैक्स हुए थे मुंबई में, उस पर आधारित ये पूरी कहानी है। दोस्तों आपको बता दूं कि सई मांजरेकर जो है वो साउथ में अपना डेब्यू करने जा रही है फिल्म मेजर के साथ आदि विशेष के ऑपोजिट, और सलमान खान उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने उनको सपोर्ट किया था अपनी खुद की फिल्म में लॉन्च करके फिल्म दबंग 3 में। दोस्तों तो सलमान खान जो है वो हमेशा से अपने साथ के जो लोग होते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और ऐसा ही कुछ वो कर रहे हैं सई के लिए भी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाईजान सलमान खान का दिल तो सोने का है ही, पर वो जो कर्म करते हैं वो भी बड़े होते हैं। दोस्तों तो आप फिल्म मेजर के टीजर के लिए कितने एक्साइटेड है बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हो सकती है इस डेट पर। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों हम सभी की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई फाइनली रिलीज होने जा रही थी 13 मई 2021 को, पर जैसे कि हम सभी जानते हैं सलमान खान ने भी ये बात आगे रखी थी कि हम पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि फिल्म 13 मई को ही रिलीज़ हो जाए, पर जैसे कि हम सभी जानते हैं अगर लॉकडाउन जारी हो जाएगा तो हम इस फिल्म को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे और अगली ईद को यानी 2022 में इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे। दोस्तों पर अब एक खुशखबरी है सभी सलमान खान फैंस के लिए, और वो ये है कि अगर फिल्म 13 मई को कुछ कारणवश नहीं रिलीज हो पाती है तो फिल्म रिलीज होगी 20 जुलाई 2021 को, यानी बकरी ईद के मौके पर। तो सलमान खान ईदी देने तो आ ही रहे हैं, पर ये ईद बकरी ईद का मौका हो सकता है। आपको क्या कहना है और आप कितने एक्साइटेड है फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के लिए बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर फैमिलीज में से एक है खान खानदान, और खान खानदान करते आ रहा है बॉलीवुड पर राज। चलिए बताते हैं आपको कि कितनी पीढ़ियां है खान खानदान की जो बॉलीवुड पर राज करते आ रही है और आने वाली पीढ़ियां कौन सी है, पर उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि सलीम खान यानी हमारे जो सलीम साहब है वो बॉलीवुड में एक ख्वाब लेकर आए थे, और उनका ख्वाब ये था कि उनको एक्टर बनना था, पर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उनके जो शब्द है जिस तरीके से वो लिखते हैं, अब 30 साल होने को आए हैं कि सलीम साहब राज कर रहे हैं बॉलीवुड पर अपने लिखावट से। दोस्तों आपको बता दूं उसके बाद आए अरबाज खान, सोहेल खान और हमारे भाईजान सलमान खान, और अब तैयार है राज करने को बॉलीवुड पर एलिज़े अग्निहोत्री, जो जल्द ही करने जा रही है अपना डेब्यू सूरज बरजातिया के फिल्म से। दोस्तों आपको बता दूं कि एलिज़े अग्निहोत्री है अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री की बेटी और सलीम साहब की पोती। दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे कई पीढ़ियां आने वाली भी जरूर राज करेंगी बॉलीवुड पर खान खानदान से, और हमारी यही उम्मीद है कि ये सभी हमें खूब सारा एंटरटेन करें। आपको क्या कहना है बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। हाय एवरीवन, आज मैं स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट डालना चाहूंगा कि हमारे देश में बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, सीबीएसई के एग्जाम्स हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का इस समय सिस्टम जो है, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं इस समय तैयार हैं वो एग्जाम्स देने के लिए। जब सऊदी में सिर्फ 600 केसेस थे तो एग्जाम कैंसिल हुए, मेक्सिको में 1300 केसेस थे एग्जाम कैंसिल हुए, कुवैत में 1500 केसेस थे एग्जाम कैंसिल हुए, हिंदुस्तान में 1,45,000 केसेस हैं, 1,45,000 केसेस, और हम फिर भी सोच रहे हैं एग्जाम्स करवाने के लिए, विच इज अनफेयर। मुझे लगता है कि कोई
ऑल्टरनेट मोड ऑफ असेसमेंट होनी चाहिए. मुझे लगता है कुछ इंटरनल असेसमेंट करके हमें इन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफलाइन एग्जाम्स मुझे नहीं लगता इस समय सही समय है. जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं कि बाहर लोग निकल नहीं सकते, उस बीच में ऑफलाइन एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफेयर. सो आई वुड लाइक एवरीवन टू कम एंड सपोर्ट ऑल दी स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन बी सेफ, देयर पेरेंट्स, देयर फैमिलीज कैन बी सेफ एंड दे फील सिक्योर दैट दे आर इन अ जोन वेयर दे विल वर्क हार्ड मे बी इन फ्यूचर व्हेन एवर द टाइम राइट टाइम कम्स. So I am there to support every single student who is not ready to come out for these offline exams in these tough times. All the best, guys. Let's hope for the best. कविता कौशिक ने सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस को लेकर किया बड़ा खुलासा. चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का जवान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में. दोस्तों आपको बता दूं कि कविता कौशिक जो है उनकी नहीं बन पाई थी बिग बॉस सीजन 14 में किसी के भी साथ, और यहां तक कि वो सलमान खान से भी लड़ गई थी. दोस्तों आपको बता दूं कि रूबीना दिलेक जो बिग बॉस सीजन 14 जीती थी, उनके बारे में बातचीत करते हुए कविता कौशिक ने कहा कि ऐसे फेक शो में मुझे नहीं रहना है जहां पर नकली शादी के बारे में बातचीत की जाती है, शादी में नकली दरारें पैदा की जाती है और जहां पर झूठे आंसू बहाए जाते हैं. दोस्तों तो बेसिकली कविता कौशिक जो है उनको यही बात कहनी है कि बिग बॉस जो है वो एक फेक शो है और सिर्फ टीआरपी के लिए लोग जो एंटरटेनमेंट है वो पैदा करते हुए नजर आते हैं बिग बॉस में. तो आपको क्या कहना है, क्या आप भी इस कविता कौशिक से सहमत है, बताना ना भूले. वी आर वेटिंग टू हियर यू. दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ. सलमान खान की अगली फिल्म से करने जा रहे हैं मिस्टर भूटान संगे शेल्ट्रिम अपना डेब्यू. चलिए बताते हैं आपको कि आखिर ये फिल्म कौन सी है और इसमें किरदार क्या निभा रहे हैं संगे, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में. दोस्तों आपको बता दूं कि मिस्टर भूटान संगे शेल्ट्रिम जो है वो करने जा रहे हैं अपना डेब्यू फिल्म राधे के साथ, और इसमें उनका बहुत ही अहम किरदार है. दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात की पुष्टि की है और कहा है कि फिल्म राधे में काम करना मेरा एक सपना है जो सच हो गया है. और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन नहीं किया था, पर सलमान सर ही थे जिन्होंने सभी को कन्विंस किया कि मैं इस पार्ट के लिए फिट हूँ. मैं कौन सा किरदार निभा रहा हूँ ये तो मैं अब आपको नहीं बता सकता हूँ, पर बहुत ही अहम किरदार निभाने जा रहा हूँ. दोस्तों आपको बता दूँ कि संगे शेल्ट्रिम जो है वो मिस्टर भूटान रह चुके हैं और उसी के साथ साथ वो फिटनेस एंथुसियास्ट भी है. अब ये देखना है कि ऐसा कौन सा पार्ट प्ले करने वाले हैं फिल्म राधे में संगे. आप कितने एक्साइटेड हैं भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के लिए, बताना ना भूले. वी आर वेटिंग टू हियर यू. दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ.